سلامونه ملګرو زده پښتو فلمونو لري هروینم چې نوم یې یاسمین خان پخپل اتاري او سندرو کې په پښتونول کې زما د ژوند بشپړ کې سپ پښپلو الفاظو کې اوريدل لپاره د پښتو کلاسیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ قربان زما د ژوند د خان مخ کې جارو ما خوشاله تر دني دې پتاینه پیدا خان وي په خوش کې خبره کوي نه ډیر نه ته دنیا یو تا ختم نشي خلاصوله اول دی غریب سری سراو ګورا अप्रैल अप्रैल पश्तो फिल्मों की पहली हेरोइन यास्मीन खान की मौत का दिन है जब तक पश्तो फिल्मों की बात होती है तो मुझे पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेर बानो याद आती है और फिर यासमीन खान जो इस फिल्म की हेरोइन ना जाने क्यों यासमीन खान के खाकी का तसवुर होता है सर पर गोली लगी और जमा हुआ खून मिला रहा है मेरे होंठों का तबसुम दे धोखा तुझे तो मुझे बाघ जाना देख ले सहरा मैं हूं इस दिल खातून की पूरी जिंदगी जदोजहद से इबारत रही मशक्क़त रियाजत निकित और उसके बाद किसी फिल्म में एक सीन भी मिल गया तो कौम पर शादमानी की लहरें के कुछ तो सिला मिल भी कामरानी में मेरे नसीब में आए गिह लोग अपनी खुद ग्राफिक उनके सामने और वो अक्सर एक ही फिक्र लिखती है जुनदेव जहद देव यानी जिंदगी जद वो जह बचपन में ही वालिद का साया सर उठाया गया था और वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी ये अपनी दादी के पास पाशपाती रन दिल इसके लिए रहा हो कि जब इसने देखा कि पश्तो फिल्मों में औरत का रंग ज्यादा है लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी फिल्मों से किनारा कशी कर ली यास्मीन खान का असल नाम शमशाद था तो उन्होंने तीन शादियां की लेकिन तीनों नाकामी से हम किनार पार्टी गवर्नर पिशावर के ही आरिफ अल्लाह से हुई और शादी इनकी मौत का सबब बनी आरिफ अल्लाह रंग ढंग और जब यास्मीन खान उनसे कोसों में था क्योंकि औरत फिल्म में काम करती है वो मनफी अतवार की मालिक है वो एक आमसी खातून उनका मन भी ऐसा ही उजला था इसी तनाजा में ये अजीम अतकारा गोली है का बने सर पर गोली लगी थी पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ में दो अदाकाराएँ हैं जो इस किस्म के हालात से चार पार्टी एक मीना कुमारी एक मीना कुमारी और पश्तो फिल्मों की दूसरी आसमीन ख़ान दोनों ही शौहर के गलत रोई का हिंदुस्तान माही बने मीना कुमारी ने ख़ुदी की किया मारा गया कि ये सवालत भी थे लेकिन ये बात मेरी जगह मुस्लिम है कि मीना कुमारी आखिरी तारीख में अब को महसूस करते हैं और अपने घर में बंद करके आलम को आगे बढ़ाया था भारत में मीना कुमारी कई मज़ामे और किताबें लिखी हैं पाकिस्तान में यासमीन खान पर भी किताबें और मजामे लिखने की जरूरत है पाकिस्तान पुलिस को तहकीकात के लिए यासमीन खान की कब्र की ज़रूरत पेश आई थी यासमीन खान की साहेबजादी करत अलैन बताती है कि कब्र में उनका खाकी बहुत दुरुस्त हालत में गुजर गया था यहाँ तक कि गुलाब की पतियाँ तदफ्फीन के अंदर कब्र में गिर गई वैसी ही ताजा करतुल एक फिजाई कंपनी एयर होस्टिस के तौर पर काम कर रही है यासका खान तीसरा शौहर बाद में किसी गैंग वार में गोलियों का बन गया था एक वेबसाइट के मुताबिक आरिफ अल्लाह खान के वाले आरिफ अल्लाह की तदफीन में शरीक नहीं हुए दुआ है कि अल्लाह मरहुमा की लफ्जिशों को दरगुजर और उन्हें जवान रहमत में जगा दे आमीन